अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतिया रोड स्थित डेरा सच्चा सौदा नाम चर्चा घर में 71वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर सत्संग का आनंद उठाया। इस दौरान जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन की अपील की और जेजेपी सरकार आने पर डेरा समर्थकों के ऊपर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे वापस लेने की बात की। यूं तो प्रदेश में डेरा अपना राजनीतिक दबदबे को लेकर चर्चा में रहता है, पर इस बार चुनाव में डेरा मुखी के जेल में चले जाने के बाद इसकी चर्चाएं ज्यादा ही हो गई है। वहीं डेरा के स्थापना दिवस के आयोजन पर टोहाना में सिरसा लोकसभा प्रत्याशी निर्मल सिंह व बसवा लोकसभा प्रत्याशी जनक अटवाल भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी। सूचनाओं के मुताबिक इस समारोह में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर के पिता भी देखे गए। वहीं भाजपा के प्रत्याशी या उनके किसी नुमाइंदे को लेकर कोई सूचना नहीं मिली। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कहा कि डेरा पर कई केस झूठे बनाए गए, उनकी सरकार आई तो डेरा समर्थकों पर बने झूठे केसों को रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इससे पहले भी डेरा में चौटाला परिवार के अन्य सदस्यों का साथ लेकर भी गए हैं। सिरसा लोकसभा प्रत्याशी जजपा निर्मल सिंह ने अपने मुकाबले में बड़े कद्दावर नेताओं के सवाल के जवाब में कहा, कई बार हाथी को चींटी ही मार गिराती है। उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम हैरानीजनक आम आदमी के पक्ष में आएगा तो इन लोगों की बोलती बंद हो जाएंगी। वहीं बसपा लोकसभा सिरसा प्रत्याशी जनक अटवाल ने भी डेरा के कार्यक्रम में शिरकत की। वह कहा कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। उन्होंने डेरा के प्रति अपनी आस्था भी जताई। देखिए, मैं तो मेरे गुरु के घर में आया हूँ, ये मान के चलें कि मैं डेरा सच्चा सौदा से दीक्षित हूँ, पिताजी से उनके चरणों में रहा हुआ हूँ और उस नाते भी आया हूँ। और यहाँ मैंने खुल्लम खुल्ला एक बात कही थी कि मुझे निशान सिंह प्रेमी भी कहा। इसे खुली बात कहता हूँ, प्रेस मुझे कहती भी है भी आप कई बार बेबाकी से जब बोलते हो तो पार्टी नीतियों से ऊपर उठ के भी बोलते हो। वो आज भी मैं कहूँगा कि मैंने जैसे कहा कि मैं मेरे प्रत्याशी हैं, मेरे साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं प्रदेश का प्रेसिडेंट होने के नाते जहाँ आज नमन करने आया हूँ मेरे गुरु को, मेरी संगत को, मेरे भाईचारे को, वहीं मेरे अंदर जो एक लालच और लोभ है कि राजनीतिक तौर पे संगत के अंदर भगवान बसता है, रब बसता है, पिताजी बसते हैं, मैं इनसे प्रार्थना भी करने आया हूँ कि कृपा से बढ़ती है तो हम संगत के प्रति, डेरे के प्रति कानून को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो चीजें डेरे की वेलफेयर के लिए कोई सरकार कर सकती है वो ज्यादा से ज्यादा करने का। लेकिन मैंने जब ये बात कह दी कि हमारी सरकार अगर संगत की कृपा से बनेगी तो हम डेरे के ऊपर जो नजायज को चीज कानून के मुताबिक नजर आएगी ये नजायज हुआ है उसको ठीक करने का काम करेंगे, केस वापस लेने का काम करेंगे।